नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला श्रीवास्तव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लिट्टी चोखा बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसान है बनाना, ये आसानी से घर में बन सकता है। यहाँ सारी सब्जी को धुल कर मैं रख ली हूँ। आलू, बैंगन, टमाटर एक कप के अंदाज से मैं कुकर में पानी डालती हूँ। तो बैंगन को कट करके डाल दी हूँ। आलू, टमाटर सारी चीजों को मैं बॉयल कर लूंगी। कुकर के ढक्कन लगा के एक तेज सीटी आने दूंगी, उसके बाद से एक सिंक पर आने दूंगी। आटा लूंगी 1.5 कप के अंदाज से, उसमें मोयन डाल के आटा को का डो बना लूंगी। हल्का सा नमक रिफाइंड डाल के डो बना लूंगी। ज़्यादा रोटी जैसा डो नहीं बनाऊंगी, थोड़ा कड़ा ही रहेगा। डो तैयार करके हल्का सा रिफाइंड हाथ में लगा कर उसको रेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट छोड़ दूंगी। यहाँ सारी सब्जियाँ बॉयल होकर तैयार हो गई है। इसका मैं छिलका उतार दूँ और मैसर से मैश करके तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं प्याज डालूंगी, लहसुन, हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और मैसे से मैश करके तैयार कर लूंगी। अभी यहाँ मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। अब लिट्टी चोखा बन के तैयार हो गया है। अब मैं सत्तू की तैयारी कर रही हूँ। जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अजवाइन, कलौंजी, मिर्चा, अचार का मिर्चा, उसका तेल भी थोड़ा डाल दूँगी। स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। 1/2 नींबू का रस निचोड़ूंगी। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद धनिया पत्ता डालकर उसको मैश कर मिलाऊंगी। थोड़ा पानी डालूंगी, इतना पानी डालूंगी जैसे कि ये थोड़ा सा बंद जाए हाथ हाथ में। लिट्टी के लिए सत्तू बनकर तैयार हो गया है। ये धनिया की चटनी बनकर तैयार हुई है, जिसमें मैं टमाटर, लहसुन, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन डालकर तैयार की हूँ। सत्तू छोटे छोटे गोली बनाकर उसमें भर के ज़्यादा दबाऊंगी नहीं, हल्का दबा कर के तैयार करूंगी। मैं पानी बॉयल कर ली हूँ। बॉयल में थोड़ा सा रिफाइंड डाल दी हूँ। रिफाइंड जब पानी खोल आ जाए उसमें लिट्टी को डाल दूँगी। और डालने के बाद उसे
ठक दूंगी। ये लिट्टी मेरा फूल कर तैयार हो गया। इसे मैं छन्नी से निकाल लूंगी। निकालने के बाद थोड़े ठंडे में रख दूंगी, जिसे थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर एक कप कढ़ाई लूंगी, कढ़ाई में रिफाइंड डालकर गरम होने दूंगी। तब तक मेरा ये लिट्टी भी ठंडा हो गया है और इसे मैं डालकर फ्राई करूंगी। जब तक फ्राई करूंगी कि लिट्टी तब तक फ्राई करूंगी जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। लिट्टी ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। ये लिट्टी ब्राउन हो चुका है, इसे मैं निकाल दूंगी। लिट्टी चोखा, चटनी, आम, मिर्चा, प्याज, ये सब बन के तैयार हो गया है। आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।